भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर आप सभी को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। बुडेलपुर तहसील क्षेत्र के अतरौड़िया थाना के दारूपुर गांव निवासी अच्छेलाल उम्र 70 वर्षीय पुत्र बरसाती आज दोपहर विद्युतकरण की चपेट में आने से मौत हो गई। बता दें कि अच्छेलाल आज दोपहर करीब 1 बजे अपने धान के खेत में जा रहे थे, ऊपर से गुजरी हुई विद्युत हार्टिसन तार से विद्युत खेत में प्रभावित होने लगी। अच्छेलाल जो खेत में घुसे विद्युत करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना परिजनों को हुई। परिजनों ने आनंद फानंद में ग्रामीणों ने अच्छेलाल को जिला अस्पताल के लिए ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन जिला अस्पताल के शव को घर लेकर आए। अच्छेलाल के पास दो पुत्र है, दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटे खेती बाड़ी का काम करते हैं। दो बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, दोनों अपने घरों पर रहती हैं। वहीं हल्का लेखपाल द्वारा विद्युत करंट की चपेट लगने से मौत की रिपोर्ट बनाकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में दी गई। वहीं ग्राम प्रधान चंद्रदेव भारती और ग्रामीणों की मदद से पंचनामा बनाकर पीएम के लिए भेजने की तैयारी की गई। बता दें ग्रामीण ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यह घटना हुई है। पहले पैसे दीजिए सर। मैं चंद्रदेव भारती प्रतिनिधि ग्राम प्रधान पटाधन। हमारे गांव में अच्छेलाल पुत्र बरसाती धोबी और बरसात की वजह से नदी में पानी था और अपना खेत देखने जा रहे थे। अचानक जो है कैसे क्या हो गया और पता चल रहा है कि बिजली से जो है करंट विद्युत लग के विद्युत से उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो गई और गांव वाले किसी तरीका से लाश जो है पानी से निकाल लिया। अच्छा, नदी पार करके हो जाए। विद्युत तार काफ़ी नीचे है भी है। हाँ, अब विद्युत जो है काफ़ी नीचे है तार। अच्छा, इनका क्या मतलब कि पीएम होगा कि नहीं होगा? अब पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा? अब देखते हैं, प्रयास किया जा रहा है, क्या हो सकता है। परिवार वाले आए कहीं इलाज के लिए ले गए थे? हाँ, ये लोग सरकारी हॉस्पिटल जिला अस्पताल ले गए थे, जहाँ मृत घोषित कर दिए। अच्छा, चलिए ठीक है।